नूर मुकदम कत्ल केस फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब साफ हो गया। मुलजिम जाहिद जाफर ने कत्ल से पहले मकतूला को ज्यादती का निशाना भी बनाया। डीएनए मैच कर गए। नूर मुकदम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। आलाए कत्ल चाकू पर फिंगरप्रिंट्स भी जाहिद जाफर के हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में भी जाहिद जाफर और नूर मुकदम ही नजर आ रहे हैं। कराची में गार्ड ही लुटेरा निकला। आईए चंद्रीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर और गार्ड 20 करोड़ रुपए लेकर फरार। मुलजिमान ने कैश वैन को वीरानी गली में छोड़ा और रकम ले उड़े। पुलिस का ड्राइवर के घर पर छापा। वालदेन के मुताबिक हुसैन शाह 6 माह से उनके साथ नहीं था। नवाज शरीफ दिल गुर्दे और शुगर की बीमारियों में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक रखा है। पार्क्स और रश वाली जगह पर जाने से भी मना कर दिया। साबिक वजीर आजम की 8 जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। अफगान आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई ओहदे से बरतरफ। जनरल हैबतुल्ला नए अफगान सिपहसालार तायुनात। तालिबान को अफगानिस्तान में एक के बाद एक फतह मिल रही है। 6 रोज में 9 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया। सदर अशरफ गनी और दीगर अफगान रहनुमा मजार शरीफ रवाना। काबुल इंतजामिया ने भारतीय फजाइया से मदद मांग ली। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 81 मरीज जान से गए। 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से जायद रही। मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। साइनोफार्म की मजीद 10 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच गई। रावलपिंडी में 100 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची के हजारों मकीनों का 26 साल पुराना मसला हल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को 54 साल लीज दे दी। MPA जमाल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर लीज के अहकाम जारी किए। विफाक ने 413 मिलियन रुपए अदा करके जमीन लीज कराई। और पाकिस्तानी मीडिया की तमाम तंजीमों ने मुजफ्फजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA और MN ने मुश्तरका इलामिये में अथॉरिटी का कयाम आजादी सहाफत और आजादी इजहार राय के खिलाफ करार दे दिया।